हाँ जी सत श्री अकाल सारिआं नूं। जिवें कि तुहानूं पता है कि अरोड़ा क्लासेस हुण एग्रीकल्चर दे विच आ चुका है, तां एग्रीकल्चर न्यू बैच जो कि IBPS AFO ते पंजाब एडीओ दे बैच जिहड़े है उह स्टार्ट कर चुका है। उहदे लई तुसीं की करना है, अरोड़ा क्लासेस दी ऐप नूं डाउनलोड करना है, उहनूं ओपन करना है। ओपन करन तों बाद तुहानूं इदां दे सर्च ऑप्शन दिखेगी, सर्च ऑप्शन ते तुसीं की लिखना है AFO या फिर एडीओ, जो भी बैच तुसीं परचेज करना चाहते हो उत्थे तुसीं बैच परचेज कर सकते हो। उस तो जो तुसीं नैक्सट खोलोगे तो उत्थे तुहानूं एक कूपन कोड अप्लाई करना पेगा। कूपन कोड अप्लाई करोगे तुहानूं 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड केड़ा अप्लाई करोगे? कूपन कोड अप्लाई करोगे AC738, जिन्हें तुहानूं 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। उस तो बाद तुसीं की करना है, इस बैच नूं परचेज कर सकते हो, चाहे वह AFO चाहे एडीओ। तो आईफोन यूजर वाले की करनगे, वह करनगे माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनगे, माई इंस्टीट्यूट ऐप। उस तो बाद की करनगे, ORG कोड लगाएंगे ARC, ORG कोड कैसे लगाएंगे ARC, तो बाकी का सारा प्रोसेस जो सेम रहेगा। वो भी कूपन कोड कैसे लगाएंगे AC738, तो 1000 रुपये डिस्काउंट रहेगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो ओके है तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी छोटी गल कर लेने हैं कि आज की क्लास फिर दस रहे हैं एडियो दे विच स्पेशल टॉपिक मेंशन है क्लासिफिकेशन का। जेडे बच्चे हजे तक वेट कर रहे हैं कि एडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, एडियो का वो आ जाए, उदो ही शुरू करेंगे, तो वो बेवकूफ़ है थोड़े जी, ठीक है। जेडे बच्चे हजे वेट कर रहे हो तो वेट ना करो, जल्दी जल्दी तैयारी अपनी जड़े भी शुरू करनी है वो कर सकते हो, क्योंकि फ्री क्लास लग रही हैं तो क्लास लगा सकते हैं यूट्यूब वाले, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते क्लास एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी वर्ड कितों आया? ग्रीक, लैटिन, कड़ी लैंग्वेज तो? ग्रीक तो। जिमें एग्रीकल्चर आया उमें ही एग्रोनॉमी, इन्ह दो नाम के कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो नाम आया सी उस तो बाद एग्रोनॉमी जो नाम है दोनों सेम ही लगते हैं, दोनों लगभग देखने जो आप नाम पढ़ते हैं दोवें सेम ही लगते, ठीक है। एग्रीकल्चर की सी फील्ड विच सी अपने फील्ड की कल्टीवेशन, ठीक है। इन विच की आ जाएगा कि फील्ड की मैनेजमेंट दोवें वेखन नाम सेम ही है, क्योंकि एक्चुअल जी आप जो पहले एग्रीकल्चर नाम आया उदो सिर्फ और सिर्फ की चल रहा है, सिर्फ क्रोप्स वाल ज़्यादा ध्यान से, ठीक है। तो उस क्रोप्स हुण जो एग्रोनॉमी वर्ड आ गया उस क्रॉप्स नूं मैनेज किवें करना, एक फील्ड लैके फील्ड की मैनेजमेंट किवें करनी है, उन्हों आपां कहता एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी दा ग्रीक वर्ड इह जो क्वेश्चन नहीं आएगा, AFO च फिर भी चाहे आ जाए, एडियो च नहीं आएगा, बट हाँ स्टिल अपना शुरू तो बेस शुरू कर रहे तो आपको पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप एडियो AFO ही पढ़ रहे हैं, आप एग्रीकल्चर पढ़ते, ठीक है। उस प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी डील विद द साइंटिफिक फैक्ट इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट दे हुण देखो इनवायरमेंट की चल रहा है, क्रॉप उत्थे ग्रो कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है। फील्ड की मैनेजमेंट है, सोयल क्यों जी है, किस सोयल उपर किदां दी क्रॉप लग सकती है, वह की है, वह भी एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी जो पहला स्टार्ट होंगी है उस तो उदो की होंगे, ये सारी चीज़ा जो एग्रोमेट्रोलॉजी सोयल साइंस होगी, एग्रोनॉमी होगी, क्रॉप कल्टीवेशन होगी, ये सारिया चीज़ा एको ही टॉपिक के विच थी। इस तो बाद इन अलग अलग ब्रांचिस होने लग गई, लाइक जिवें पहला एग्रीकल्चर से हुण इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं, एक बिल्कुल नवी चीज़ आई हुई है एग्रीकल्चर, ठीक है। उस इकोनॉमिक्स बाद उन्हें एग्री बिजनेस अलग करती, मैनेजमेंट की अलग करती, इदा करते करते उन्होंने जो डिवाइडेशन हो गई, पर जो एग्रोनॉमी स्टार्ट होंगी उदो सोयल साइंस, सोयल की कल्टीवेशन, साइंटिफिकली सोयल स्टडी करना, क्रॉप को स्टडी करना, यह सारा कुछ एग्रोनॉमी का ही पार्ट से। उस तो बाद हम आप सोयल साइंस लैंने, करके एग्रोनॉमी तो सोयल साइंस बिल्कुल लाइन ऑफ मार्जन का फर्क रहा है,
क्योंकि सोया साइंस पढ़ते हैं तो उन्हें देखते हैं कि केड़ी क्रॉप ग्रो हो सकती है केड़ी नहीं हो सकती, फर्क कितने आता है क्योंकि उस सोया साइंस के उपर आप हॉर्टीकल्चर क्रॉप देखते हैं इनके उपर केड़ी हॉर्टीकल्चर क्रॉप ग्रो हो सकती है नहीं हो सकती, बट एग्रोनोमी है ज्यादातर फील्ड की मैनेजमेंट देखते हैं, बट आप हमेशा पढ़ते कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ एग्रोनोमिक क्रॉप्स, एग्रोनोमिक क्रॉप्स के मिलेट्स हो गए है ना, सीरियल्स हो गए, हॉर्टीकल्चर क्रॉप फ्लावर्स हो गए, ये क्रॉप्स आप नहीं पढ़ते हैं। आप एग्रोनोमी के क्रॉप्स पढ़ा जे एडीओ वाले बच्चे है एडीओ स्पैशल एक टॉपिक मैनशन है क्लासीफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, उस क्लासीफिकेशन ऑफ क्रॉप उस टॉपिक का मतलब पता की है, ये नहीं है कि जी आप चीज़ कर रहे हैं उही चीज़ है, मतलब की है कि वो वाली सारिया क्रॉप्स में कुछ भी पूछ सकते हैं उस क्रॉप्स में, क्योंकि पैकेज तो छड़ के पैकेज तो स्पैशल लिखे हुआ है कि प्रैक्टिसिस, ठीक है जी प्रैक्टिस लिखी हुई है वो मतलब की है वो पैकेज पा सकते हैं, जिते उन्होंने क्लासीफिकेशन लिखता मतलब की है कि ऐसा फिर मैं दस रहा कि पैकेज तो थोड़ा हट के हर पूरा पेपर पैकेज आना ये जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा पेपर पैकेज हो, ठीक है। हुण एग्रोनोमी की है रिलेशनशिप टू इनवायरमेंट इन विच क्रॉप आर प्रोड्यूस, एक इनवायरमेंट अगर कोई क्रॉप प्रोड्यूस करानी उनके लिए अलग अलग फैक्टर होंगे, ठीक है एक क्रॉप प्रोड्यूस कराने मान लो सब तो इंपोर्टेंट फैक्टर जो रहता है क्रॉप वास्ते सीजन वैदर ये तो होंगे ही है, देखो आप गर्मिया गर्मिया के क्रॉप बीज रहे हैं सर्दियों क्यों नहीं बीज रहे है ना, क्यों क्योंकि उन्होंने एक इनवायरमेंट चाहिए होंगे, इनवायरमेंट की चाहिए उन्होंने एक टैंपरेचर चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए है अलग अलग फैक्टर चाहिए है शॉर्ट डे चाहिए लोंग डे चाहिए बहुत सारे फैक्टर होंगे वो भी अगली क्लास चाहेंगे जो एग्रोनॉमी करा अपने नैक्सट क्लास उनके फैक्टर भी करा, बट हूँ इन की है कि जेडे इनवायरमेंट के सारे फैक्टर इनवायरमेंट की है कि उनके आपका इनवायरमेंट भी प्लस बाहर वाला इनवायरमेंट दो तरह इनवायरमेंट है माइक्रो तो मैक्रो दोवें इनवायरमेंट अगर फेवरेबल करते हैं उनकी स्टडी करना कि उस ओवली क्रॉप जी है किस इनवायरमेंट ग्रो हो सकती है तो किमें ग्रो हो सकती है चाहे वह सोयल इनवायरमेंट हो चाहे उदा क्लाइमेट वाला हो चाहे वैदर वाला हो, ठीक है उनकी स्टडी करना उन्होंने आप कहने एग्रोनॉम। क्लियर है नेक्स्ट चलते नेक्स्ट की अपना डेफिनेशन, डेफिनेशन आप पढ़ ही चुके हैं, इट इज डिफाइंड एग्रीकल्चर साइंस डील विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सिर्फ इतने आ गया ना क्रॉप प्रोडक्शन प्रिंसिपल सिद्धांत की है क्रॉप किवें ग्रो करना है ये सारा कुछ की है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ सोयल वाटर एंड क्रॉप मैनेज, आ गया ना फिर सोयल वाटर क्रॉप मैनेजमेंट, आप इरीगेशन पढ़ते हैं इरीगेशन पढ़ा इनके फैक्टर पढ़ा कि हम एग्रोनॉमी आप पढ़ा कि वो भी दस दें, एक तो आप क्रॉप्स पढ़ा जी आप क्रॉप्स आप सैकंड क्लास में अपनी ग्यारहवीं क्लास मेज कर रहे हैं ना वो भी एग्रोनॉमी का ही पार्ट है, ठीक है इन होर की करा इन सोयल साइंस करा बट सोयल साइंस का आप टॉपिक जरूर अलग लैके चलना, इरीगेशन करा इरीगेशन टॉपिक क्वेश्चन पक्का आता है, क्रॉप्स करा क्रॉप्स दी टर्म्स करा एक एक टर्म जी है हर कोई भी पेपर चक के देख लो, पिछली बार एडियो के भी आई हुई थी टोबैको से फ्लूपिंग आई हुई थी फ्लूपिंग से हाँ फ्लूपिंग से रैबिंग एक टर्म आई हुई थी, ठीक है तो अपना सोच भी नहीं सकते क्योंकि पैकेज टोबैको नहीं है तो आप कहते हैं कि टोबैको तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, यह नहीं होंगे कि जे पैकेज में वो टर्म वो क्रॉप नहीं लिखी हुई तो उन्हें तो क्वेश्चन नहीं आएगा, यह नहीं है आप क्रॉप्स पढ़नी है टोबैको भी एग्रोनॉमिक क्रॉप ही है, ठीक है तो यह की है प्रैक्टिस ऑफ सोयल वॉटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट जो उनके प्रिंसिपल हो क्रॉप्स न बीजना सोयल उपर कल्टीवेशन करनी या सोयल स्टडी करना क्रॉप्स की स्टडी करनी या क्रॉप न उत्थे लगाना, ठीक है किवें लगा सकते हैं किवें हार्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग तो लैके एंड तक ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਗਰੋਨੋਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਪ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਰੋ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ हाँ मैप दे मैप तो ही पढ़ा सिर्फ एक मैप होते आपे टिक करन लगोगे दो बार बनाओगे वो तो क्लीयर हो जाएगा बट हजे तक पिछला पास्ट एक्सपीरियंस मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पिछले पांच साल एग्रो क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन बहुत घट गए आ ही नहीं दे, ठीक है क्योंकि उनके भी बहुत दिक्कत आती है वो भी करा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन के होंगे एग्रो इकोलॉजिकल जोन के होंगे 128 होंगे 15 होंगे 20 होंगे ये भी नहीं आपको पता, ठीक है वो किवें होंगे वो सारी चीज़ कवर करा बट अज के क्लास के करा क्लासीफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है क्रॉप की क्लासीफिकेशन किस किस बेस उन्होंने होर भी बहुत यह नहीं है कि सिर्फ इन बेस से क्लासीफाई किया बहुत क्लासीफिकेशन है बट मेजर जीडिया है पांच बाकी तो नोट्स के अगर दिते हुए ना उनके 11 से 12 से क्लासीफिकेशन इन्होंने अगर होर सब टाइप्स है हाँ वो सब टाइप्स नहीं इस बाद जो नोट्स है उन्होंने होर ज्यादा से
ध्यान ना देखे ठीक है। तो जेडी मेजर है जिंदे ते क्वेश्चन बनदे आ वो आपा इथे करांगे ठीक है। हुण पहला है बेस ऑन ओंटोजेनी। ओंटोजेनी की हुंदा है लाइसिन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज। किस इकोनॉमिक किस परपज लिए आप यूज कर रहे हैं? सीधा बेच रहे हैं, वेचन वास्ते लगा रहे हैं, खाने वास्ते कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं? थर्ड आंदे है बोटनी, बोटनी फिर सीजन फिर क्लाइमेट। इन्हों में समझन लग गया कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बेसिक चीजें हैं, बट ये चीज करांगे तो अगो तुहानू समझना औखा हो जाएगा। हजे भी एग्रीकल्चर दे विच 60% बच्चों नू पता है खरीफ सीजन रबी सीजन, बट मैं गरंटी करता 40% स्पेशली गर्ल्स नू ये चीज़ें नहीं पता कि खरीफ क्रॉप केड़ी हैगी है। अगर 10 एक क्रॉप का नाम लै दी ना भी ये खरीफ है कि रबी है, वो 2 मिनट जरूर सोचेंगे, गरंटी तुहाडे चे बैठे होणगे, पक्का सोचेंगे ठीक है। ये जदों ये करन लगांगे ना बस उन्हें दिमाग च माइंड च ये बिठाना है कि गर्मियां च भी खाने कि सर्दियां च खाने। ये नहीं है कि जदों खाने उदों बिजी हुंदी है, जदों फ्रूट की भी गल करते हैं ना क्योंकि बिजी उन्हें पहला गया से, वो क्रॉप जिहड़ा हुंदा टाइम हुंदा है वो हमेशा सोइंग टाइम तो वेख्या जांदा है, ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋਪ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੋਇੰਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲਾਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਫਲਾਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਂਟੋਜਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਂਟੋਜਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ, ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਇਫ ਕੁਝ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੋਮੈਟੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਇਨੀਅਲ ਕਰੋਪ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਮੈਟੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਾਰਵੈਸਟ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਛ ਕਰੋਪਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਟ, ਬੀਟ ਰੂਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੋਪਸ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਨੂਅਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰੀਫ 'ਚ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਖਰੀਫ 'ਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਫਰੂਟ ਕਰੋਪਸ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਫ 'ਚ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਖਰੀਫ 'ਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਨੀਅਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਚਾ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਪੱਕਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਕਰੋਪ, ਐਨੂਅਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇੰਨੀਅਰ ਐਨੂਅਲ ਕਰੋਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰੀਫ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਰਬੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਾਇਦ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੈ ਉਹ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲਾਈਕ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਨੂਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਨੀਅਲ, ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਏਗਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਨੀਅਲ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਟੋਮੈਟੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਨੀਅਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਨੀਅਲ ਕਰੋਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰੋਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਨੂੰ ਬਾਈਨੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੀਨੀਅਲ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਸੀਡ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਚੋਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਰਕਟੋਸ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ, ਫਰਕਟੋਸ ਲੈਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। 48 ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੈ, 18 ਮਹੀਨੇ, 48 ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ, ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਟਮ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 48 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਹੈ। ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਕਰੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰੋਪ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਸਮਝੋ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕਰੋਪ ਦੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਪ ਕੀ ਹੈ।
क्रॉप की है कि जो ग्रुप ऑफ प्लांट है ना उन्होंने क्रॉप कहने, बट अगर कोई प्लांट वड्डा है ठीक है एक सिंगल ज्यादा जगह ले रहे तो उन्होंने ज्यादा प्लांट कह देने, बट जो शुगर केन है उन्होंने की कहने आप पेरिनियल कंसीडर करते, बाइनियल एनुअल समझ आ गया, किसम की दिक्कत ठीक है देखो पेरिनियल दे लिव फॉर थ्री और मोर ईयर, देखो लिव लिखा है उन्हें नहीं किया अभी आप हार्वेस्ट कर देंगे ठीक है, लिव फॉर थ्री और मोर ईयर दे मे बी सीड बियरिंग और नॉन सीड बियरिंग नेपियर फोडर ग्रास कोकोनट, एक क्वेश्चन कोकोनट वाला क्वेश्चन AFOA दो बार आ चुके हैं, एस वार भी इसको देखने मिला थी, कोकोनट का क्वेश्चन बहुत आता है, कोकोनट हो गया मैंगो हो गया एप्पल हो गया ये सारे की है पेरिनियल है, मोस्टली जो हॉर्टीकल्चर क्रॉप्स होंगे ना वो क्या होंगे हॉर्टीकल्चर विचों फ्रूट फ्रूट की होंगे पेरिनियल होंगे ठीक है, उस तो उन्होंने अलग अलग टाइप्स होंगे कि दो साल कर लेंगे तीन साल कर लेंगे, पर फ्रूट बियर कदों करते पहले साल तो फ्रूट बियर करने लग जाते दूजे साल या तीजे साल बियर करते हैं, इस करके उन्होंने की करते हैं पेरिनियल कंसीडर करते, क्लियर है ये बेस्ड ऑन ओंटोजेनी, सेकेंड आया ने बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज, इन्हें विच कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे बट हाँ दस दिने कि मेजर फर्क की रहा है, पहला सीरियल ठीक है सीरियल की है ड्राइव फॉर्म वर्ब सीरीज जिन्हों की कहने गुड्स, अपने इंडिया के जो सीरियल सब तो नंबर वन से कि ग्रो होंगे वीट एशिया दे वेच है। इंडिया वेच राइस है एशिया च वीट है, एक क्वेश्चन इफको च आया सी एक पहली शिफ्ट च अलग क्वेश्चन आया सी दूजी शिफ्ट च होर आया सी, पहली शिफ्ट च एक क्वेश्चन होर आया हुआ सी दुखे दूजी सीगा कि उन्हें की कहंदे है किंग ऑफ सीरियल, एक क्वेश्चन सी किंग ऑफ सीरियल दा आया हुआ सी, हाँ ये वाले क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि मैं भी उस बैठा सी मैं भी पेपर करा रहा थी बट हाँ मैं भी अगर सोचने लग पे किंग है कि क्वीन है की पूछा है राइस से वीट, एक थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि आप पंजाब रहने करके आप वीट में ज्यादा देखते हैं ठीक है, यही यूपी बिहार से चाहे अपने पंजाब जो है 70% पिछले साल की दस रहा 70% जो जिन्ना प्रोड्यूस होया 70% उन्हें एक्सपोर्ट करता से पंजाब तो बाहर, ये नहीं कि बाहर एक्सपोर्ट किया पंजाब तो ही बाहर किया चाहे वह किसी स्टेट ही किया चाहे बाहर किया 70% तक एक्सपोर्ट करता है क्योंकि आप चावल खाते नहीं अपने को आपके को है बहुत तो आप चावल नहीं खाते पंजाब दे भी चावल जोड़ा है उपर ठीक है, तो इंडिया दे भी राइस जोड़े है राइस प्रोडक्शन नंबर वन क्यों ये भी दस दिन पंजाब क्यों है, हालांकि जिते कणक लगनी है वो तो सारी कणक लगा रहे ठीक है, तो राइस वाली जगह से अपने कोटन भी लगता है खरीफ होर भी आ जाते बट फिर भी राइस उपर क्यों है वो 38 क्विंटल होनी है कणक 20 क्विंटल होनी है उन्होंने दोवों का फर्क है झाड़ का फर्क है ईल्ड का फर्क होंगे दोवों में इस करके उन्हें अगे आए तो इंडिया के राइस ज़्यादा होंगे जरा खाधा जाता है इंडिया के स्टैपल फूड जोड़ा है राइस है एशिया के वीट वर्ल्ड उस आप जो किंग क्वीन कहने वो आप वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कह रहे हैं ठीक है, नैक्सट इन की है रोमन सीरियल आर द कल्टीवेश ग्रासिस, सिर्फ की है ग्रासिस होंगे घा ही होंगे एक तरह का कभी क्रॉप देखोगे तो ग्रासिस होंगे घा होंगे ग्रोन फॉर देयर एडिबल स्टार्च मेन आ चीज होंगी एक उन्होंने की होंगे कि प्रोटीन होंगे हर एक क्रॉप के प्रोटीन होंगे प्रोटीन कितनी मात्रा च होंगे वो वैरी करता बट हर एक जिम्मे राइस से कि प्रोटीन मिलता है और राइस देने वीट च वीट फिर से नशा ग्लूटेन ठीक है जोड़ा ग्लूटेन जोड़ा है वह बच्चों से नहीं वधिया होंगे सारे ने पढ़िया होगा मेदे के दिन होंगे राइस के 6-7% प्रोटीन होंगे बाकी सारे 10-11 होंगे लैग्यूम प्रोटीन अलग होंगे बट ये जो है वो ये जो मेन होंगे सीरीयल ये ज़्यादातर स्टार्च लिए यूज किए जाते ठीक है, आप दालों को पता भी प्रोटीन आप कल दालें क्यों नहीं खाते रहते कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो है इन होंगे अच्छी क्वानिटी होंगे इस करके कि सीरीयल आ गए राइस वीट मेद बारले ओट सीरीयल कंटेन 70-60-70% स्टार्च एंड इज एक्सलेंट एनर्जी रिच फूड फॉर ह्यूमन करके दाल नहीं खाते क्योंकि स्टार्च जो चाहिए वो इतना पूरा होगा, बहुत यह चीज़ें कि जी अलग अलग जिम्मे देखो आप फिश नहीं खाते बड़े जो फिश है फिश ऑयल नहीं खाते बट फिश में यहोजी चीज़ है जी कोई होर चीज़ पूरी नहीं कर सकती हाँ ठीक है, फिश ऑयल बहुत यह चीज़ा होंगे कि जो होर कोई भी कोई यह विटामिन है यहोजे वो जो पूरे नहीं कर सकते ठीक है, तो ये जो स्टार्च है ना ये स्टार्च लैग्यूम पूरा नहीं कर सकते सीरियल ही पूरा कर सकते तो अपनी बॉडी में स्टार्च चाहिए होंगे कार्बोहाइड्रेट चाहिए
ठीक है नेक्स्ट इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री एंड रीजन सीरियल्स प्रोवाइड द स्टेपल फूड ज्यादातर हर कंट्री दे विच की है स्टेपल फूड देखने को मिलता है बस सिर्फ इन दिच एक ही है पोल सीरियल कंटेन 20-30% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनरल ये मिनरल भी होंगे जिम्मे कि सिलीनियम कैल्शियम जिंक कॉपर ये सारा कुछ किया है सीरियल्स प्रोवाइड क्लियर है किसी ने लगे कि हाँ भी इन कुछ आने वाले नहीं है आ कुछ ना रखा है ठीक है जो भी पेपर जो कर लगो ना पहला प्रीवियस पेपर जरूर देखा करो एक पेपर ना कभी नहीं दस सकते अपना इदा ही पेपर इदा एडीएल पेपर देखो तुम लगेगा कल पैके पढ़ लो क्लीयर है नेम रेस हुंदा पढ़ लो पैके पढ़ लो क्लीयर हो जाऊगा पेपर बट हमेशा आते पिछले 3-4 पेपर चक के देखो ए एफ ओ के 5 पेपर चक के देखो पहले 5 साल पहले एवं लगता है कल लाइव स्टॉक पढ़ लो हॉर्टिकल्चर पढ़ लो क्लीयर है फिर हूँ उस लग लगा सोयल साइंस नाल पढ़नी पेगी एग्रोनॉमी सोयल साइंस भी फिर हूँ एवं लगता है कि एपीसीरी के क्वेश्चन आ रहे फॉरेस्ट्री आ रहे फिशरी भी आ रहे हूँ उन्होंने हर एक टॉपिक तो 3-4 क्वेश्चन उत्ते क्वेश्चन ही नहीं पाते एक टॉपिक चो एक पूरे अपना जो सिलेबस आप पढ़ते एग्रोनॉमी पढ़ते ना 3 क्वेश्चन बस जे तुसी एग्रोनॉमी 3 क्वेश्चन पा रहे हो तो किन्ने ज्यादा उन्होंने वरायटी रखती हुई ठीक है पिछले पेपर जरूर देखा करो फिर उसे पता चल जाए नैक्सट फिर आ गया मिलेट्स मिलेट्स के उपर क्वेश्चन बहुत आते हैं मिलेट्स क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं क्योंकि इंडिया के वोटर लैवल नीचे जाने करके वोटर लैवल नीचे जाने करके मिलेट्स से ज़्यादा कर रहे जोर मिलेट्स से जोर दिता जा रहा है कि मिलेट्स ग्रो करो मिलेट्स में ज़्यादा वाद ग्रो करो क्योंकि मिलेट्स में क्या है पानी घट है पानी घट चाहिए तो खरीफ सीजन के ही ग्रो होंगे क्योंकि इनका सब तो मेन रीजन पता की है मिलेट्स की खरीफ खरीफ सीजन में ज़्यादातर ऑलमोस्ट मिलेट्स जो खरीफ सीजन ग्रो होंगे तो खरीफ सीजन के क्रॉप ग्रो होंगी है राइस तो सब तो ज़्यादा वोटर रिक्वायरमेंट किन होंगी है कि क्रॉप के गल करिए सब तो ज़्यादा राइट वैसे हाँ ये भी एक चीज़ होर दस देना शुगर केन 2000-2500 चाहिए होंगे एम एम पानी चाहिए होंगे एक ये भी दस देना कि शुगर केन अगर उत्थे क्वेश्चन एवं आ जाए कि शुगर ये दसो भी किनू वोटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा कि क्रॉप वो शुगर केन है बट ये आ जाए कि पर ड्राई वेट फिर वोटर रिक्वायरमेंट किनू ज्यादा फिर राइस तो सब तो ज़्यादा पानी आप इरीगेशन किनू करते हैं पूरे इंडिया के इरीगेटेड जोन जी क्रॉप ग्रो होंगी वो वीट है अगर ये आ जाए कि जी इरीगेशन पर क्योंकि 85% एरिया इंडिया जिथे वीट ग्रो होंगी है ना वो 85% एरिया जो है कि जी वीट ग्रो होने वाली वो इरीगेटेड है रेनफेड नहीं इरीगेटेड खरीफ सीजन में हम थोड़े दिमाग लाओ आप पढ़ते हैं साउथ वैसट मॉनसून पढ़ते हैं वो कद सावन का महीना वो कदों आता गर्मियों वो मतलब जी हम रेनफेड क्रॉप होगी जी रेनफेड क्रॉप है वह कदों होगी खरीफ सीजन सर्दियों तो बारिश घट होंगी है तो इस करके राइस जी सर्दियों होने करके रेनफेड बहुत घट किया जाता है इरीगेटेड रखा जाता है तो इंडिया 85% एरिया जोड़ा है ना वीट कल्टीवेशन जिन्ना वीट होंगे उनके 85% एरिया जोड़ा है वो किन आ जाता है इरीगेटेड है फिर 15% जो है रेनफेड जाता है अगर ये आ जाए कि क्वेश्चन परसेंटेज वाइज जो है वीट है ओवरऑल वेखिए कि इरीगेटेड जोन कितने ज़्यादा है वो शुगर कैन के रूप है ये परसेंटेज वाइज इन फर्क होंगे दोनों चीज़ें ठीक है उस हिसाब से स्टडी करना मिलेट्स जो हम आप गल कर रहे थे मिलेट्स की है एक तो खरीफ ज़्यादा होंगे तो राइस की रिप्लेसमेंट अच्छी है राइस की रिप्लेस राइस में अच्छा रिप्लेस करते हैं क्यों रिप्लेस करते हैं अगर राइस हो रहा है वह भी खरीफ है राइस में हटा दो उत्थे मिलेट्स आ जाएंगे हम राइस में हटा के आप वीट तो लिया नहीं सकते जिथे जी ग्रोप ने ग्रो होना उनकी जगह से अल्टरनेट तो उस सीजन का होगा ना तो इनका अल्टरनेट के मिलेट्स आ रहा स्मॉल ग्रेन सीरियल है स्टैपल फूड इन ड्रायर रीजन ऑफ द डेवलपिंग राजस्थान के सब तो मिलेट्स में मिलेट्स प्रोडक्शन राजस्थान नंबर वन से कि तरह के मिलेट्स होंगे हाँ दो तरह के मिलेट्स होंगे कि मेजर मिलेट्स तो माइनर मिलेट्स मेजर मिलेट्स के आ गए सोरगम जवार जवार आप हमेशा एवं लगेगा कि पर जवार की है मिलेट्स में आती ठीक है बाकी रागी हो गया कोडो मिलेट हो गया ये सारे मिलेट्स जो है माइनर मिलेट्स आते ठीक है फोक्सटेल मिलेट हो गया सिटारिया इटालिका नाम अगों आएंगे बट हाँ एक ये पढ़ते पढ़ते ये जरूर याद रखा जाए कि क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम तो याद होने चाहिए हर एक क्रॉप अगर क्रॉप के साइंटिफिक नेम नहीं हजे याद तो उन्हें एक दिन लाओ दो दिन लाओ बट क्रॉप के साइंटिफिक नेम पहले याद करो फिर पढ़ने का फायदा हाँ ये लगे कि एडीओ साइंटिफिक नेम नहीं आऊगा तो एडीओ भी आ सकता ए एफ ओ तो बहुत बार आता है तो हूँ यह तो पूछेंगे नहीं राइस का पूछेंगे कितने जिथे पढ़ते हैं जिन्ना अपना दिमाग चलता उन्ना तो डबल चलता उन्हों का ठीक है जिथे आप पढ़ते हैं ना उत्थे पूछेंगे मिलेट दे आर ओलसो एनुअल ग्रासिस आ गया ना ओंटोजनी की होंगी इनकी एनुअल लाइफ साइकिल के बेस से एक ये एनुअल ग्रासिस ऑफ द ग्रुप सीरियल आते सीरियल च ही हैं बट दे आर ग्रोन इन द लैसर एरिया और लैस इंपोर्टेंट एरिया हुज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक आर ओलसो लैस इंपोर्टेंट
ना प्रोडक्टिविटी है ना इकोनॉमिकली यूज किते जाते कि ठीक है। इस करके मिलेट से कुछ जाते नहीं, क्यों मिलेट्स जो मान लो सारे जन मिलेट्स एक कहीं भी दिक्कत आएगी आप मिलेट्स गवर्नमेंट कहती तो जरूर है कि मिलेट्स लगाओ गवर्नमेंट की करती है मिलेट्स हमेशा एमएसपी बढ़ाती है बी एस टू कार्ड एम ता करके इंपोर्टेंट रहते हैं लास्ट टू लास्ट ईयर भी मिलेट्स एमएसपी जो है बढ़ाते हैं कि बताओ ठीक है। जो गवर्नमेंट खरीदती है ना वो एकदम पैसे आपके पल्ले पैसे पा के खरीद लग पे भी रेट बता दो एक करी तो फार्मर इधर शिफ्ट कर दिए जो सारे फार्मर लगा लग पे ना ना इनका कोई ज्यादा इकोनॉमिक यूज है एज कंपेयर टू राइस ठीक है ना ये किसी होर यूज आती है इस करके बाद जो ये ज्यादा बीजन लग पे इन्हें दिक्कत क्या होगी किसी ने लैनी नहीं ता करके फार्मर इन बीजना पसंद ही नहीं करता। प्लस एक पास 38 क्विंटल झाड़ होना मिलेट्स का झाड़ 8 क्विंटल भी नहीं होंगे पंजाब के भी ड्राई रीजन के 7-8 क्विंटल झाड़ भी नहीं होंगे 1/4 झाड़ भी नहीं होंगे राइस के मुकाबले इस करके फार्मर इन बीजना पसंद ही नहीं करता एक पैसे भी पैसा भी नहीं है ज्यादा ठीक है ता करके फार्मर इन नहीं बीजता राइस के उपर फिर भी टिके हुए। फिर मेजर मिलेट्स आ गए सोरगम पाल मिलेट फिंगर मिलेट पाल मिलेट तो बहुत क्वेश्चन आता है जिन्होंने आप कहने मेजर जोड़ा है बाजरा पैनीसैटम कलैकम यह मेजर मिलेट है फिंगर मिलेट कह रागी एलिसन कोराकाना जो मैं हमने दस ये सोरगम जवार चोलाम इनू की कहने सोरगम बायकल ठीक है ये क्या है मेजर मिलेट्स माइनर कहे है फोक्सटेल लिटल कॉमन बान इन्हों के जेडे सिर्फ नाम याद करने वाले है एक है फोक्सटेल एक है बानियर ठीक है। बाकियों के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते बट फिर भी आपको याद होने चाहिए है ठीक है। एक जो पढ़ने लगो हमेशा ये ध्यान रखो कि आप किसी पेपर वाल तो पढ़ ही रहे हैं बट आपको एग्रीकल्चर का भी पता होना चाहिए लल्ला खक्का का पता होना चाहिए भी की होंगे की है ठीक है। नैक्सट फिर आए ने पलसिस से पलसिस की है सीड्स आर लैग्यूमिनस प्लांट एक तो इन्हों की फैमिली कि फैमिली है लैग्यूमिनस लैग्यूमिनेसी फैमिली इन्होंने मेन की रहा है कि होंगे ये दस दें पलसिस लगभग लगभग सारिया सेम होंगे प्रोटीन कंटेंट के भी ठीक है। कुछ कई लैग्यूम है जिंदा प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होते कि हैगी है प्रोटीन जिंदा कंटेंट बहुत ज्यादा होंगे लैग्यूम सोयाबीन 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 लैग्यूम ही है सोयाबीन का कंटेंट जो है कि 40% 42% होंगे ठीक है। उनो 40-42% यह भी एफ क्वेश्चन आया ठीक है 40-42% जो है प्रोटीन होंगे बाकी सारे में लगभग लगभग 21-25% होंगे वो एक एक्सैप्शन है ता करके उनके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे ग्राउंडनट तो क्वेश्चन बहुत आता है पिछली बार एफ आया कि ऑयल कंटेंट कि होंगे ग्राउंडनट प्रोटीन कि होंगे 28% बट बाकी जी आप गल करिए ग्रीन ग्राम रैड ग्राम ब्लैक ग्राम है ना इन सारे लगभग 21-25% की होंगे प्रोटीन कंटेंट हूँ पलसिस की होंगी है फैमिली लैग्यूमिनेसी कि फैमिली से बिलोंग करती हैं लैग्यूमिनेसी इन्हें जड़िया भी क्रोप्स आ जाएगियाँ वो की हो ज़्यादातर नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी हो नाइट्रोजन फिक्सिंग हूँ की होंगे नड्यूल फॉर्मिंग होंगे आपको पता नड्यूल की होंगे गंढा बनती है जड़ा के होंगे की है कि जी आप वार बार आप खाद पाने ना जी रोक बनी पी है जी नाइट्रोजन अंदर हुई हुई है वह जड़ा की है उन्होंने बहर कड़ लिया बाकी की होंगे कि जो आप बूटे पानी पैदा नाइट्रोजन ठीक है वह की है नाइट्रोजन पाने जड़ा खिंचदी हैं फिर लैनगे जो आप पावे उन्हें की होंगे बाकी जो लैग्यूम क्रोप है यह करती है कि जी नाइट्रोजन बच्चे पई है ना उन्होंने खिंच के प्लांट तक दे जाएगी ठीक है। इस करके की है उनके कड़े बैक्टीरिया होंगे राइजोबियम यह क्वेश्चन एफ आया से राइजोबियम ठीक है। हरियाणा आई डी क्वेश्चन आया से कि लैग्यूम का नाइट्रोजन फिक्स करने वास्ते कि जोड़ा है एलीमेंट चाहिए होंगे निकल चाहिए होंगे मोलीबिडम चाहिए नाइट्रोजन चाहिए होंगे उनके लिए हमेशा की चाहिए होंगे मोलीबिडम चाहिए होंगे मोलीबिडम इंपोर्टेंट होंगे ये हरियाणा आई डी क्वेश्चन आया क्लीयर है। उस तो यूज फॉर फूड दाल रिच इन प्रोटीन प्रोटीन रिच होणगे क्योंकि सीरियल किन्ने सीगे 10% 11% राइस होंगे नहीं सीगा इन्ना प्रोटीन भी तो प्लस होंगे इस करके प्रोटीन रिच है पोड कंटेनिंग ग्रेन इज द इकोनॉमिक पोर्शन एंड पल्स आर द प्रेफर्ड प्रोटीन रिच अच्छी गल इकोनॉमिक इंपोर्टेंट है क्रोपिंग हूँ एक क्रोपिंग सिस्टम सब तो इंपोर्टेंट रखते हैं क्रोपिंग सिस्टम सब तो जिमें आप पढ़ते हैं वार बार क्रोप रोटेशन पढ़ते हैं क्रोप रोटेशन की होंगे कि एक क्रोप एग्जोस्टिव एक होंगी क्रोप एग्जोस्टिव आप घरे लगाने एडजास्ट जी कहने वो की होंगे एक्चुअल एग्जोस्ट होंगे ठीक है। आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ते होंगे वेखते हैं एग्जोस्ट वॉल जितों गंदी धुआं या गंदी हवा जी बाहर जाती है ठीक है उवें ही क्रोप के एक होंगी एग्जोस्ट क्रोप एग्जोस्ट जी मिट्टी को खत्म करती है खत्म करना इन द सेंस जी आप सी फोर प्लांट पढ़ते हैं ना सी थ्री सी फोर है ना वो जो सी फोर प्लांट होंगे ना
ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੋਰਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਫੋਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਚਾਰ ਐਟਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੀ ਥ੍ਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਟਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਐਟਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਟਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਐਗਜ਼ੋਸਟ ਕ੍ਰੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਗਿਊਮ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਟਲ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਸਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਸ ਕ੍ਰੋਪ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨੋਟਸ ਦਿਵਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰਾਮ, ਕਜਾਨਸ ਕਜਾਨ, ਬਲੈਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਫ ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਜਨਾ ਮੁੰਗੋ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਜਨਾ ਮੁੰਗੋ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ, ਵਿਜਨਾ ਮੁੰਗੋ। ਮੂੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੇਡੀਏਟਰ, ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜਨਾ ਮੁੰਗੋ ਹੈ, ਮੂੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜਨਾ ਮੁੰਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਨਾ ਰੇਡੀਏਟਰ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏਗਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਬੰਗਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਪੀ ਇਹ ਏਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ ਐਫ 'ਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋਪ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਏ ਐਫ ਓ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਏ ਐਫ ਓ ਕਿੱਥੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਰੋਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਏਡੀਓ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਏਡੀਓ ਆਪ ਏਡੀਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਨ 'ਤੇ ਬੋਲਵਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੋਲਵਮ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਵਮ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਬੋਲਵਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਟਨ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਓਇਲ ਸੀਡ, ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਲਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਓਇਲ ਸੀਡ ਵਿੱਚ ਓਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਰੋਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਇਲ ਸੀਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਐਡੀਬਲ ਇੱਕ ਨੋਨ ਐਡੀਬਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਓਇਲ ਸੀਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਗਰਾਊਂਡਨਟ, ਸੀਸਮ, ਸਨਫਲਾਵਰ, ਕੈਸਟਰ, ਲਿਨਸਿਡ, ਨਾਈਜਰ, ਸੈਫਲਾ, ਰੇਪ ਸੀਡ, ਰੇਪ ਸੀਡ ਐਂਡ ਮਸਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡਨਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਓਇਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਓਇਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਸਨਫਲਾਵਰ 45-50%, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਪਸੀਡ ਐਂਡ ਮਸਟਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 33-35%, ਇਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਆ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਗਰ ਓਇਲ ਸੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਏ ਐਫ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖੋ, ਏ ਐਫ ਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਏ ਐਫ ਓ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਥਰੈਟੀਕਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਏ ਐਫ ਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਏ ਐਫ ਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਏਡੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਏਡੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਨਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਈਜਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਯਾਦ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਓਇਲ ਸੀਡ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਔਖੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡਨਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਰੈਕਿਸ, ਹਾਈਪੋਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੀਸਿਮ ਦਾ, ਸੀਸਿਮਮ, ਇੰਡੀਕਮ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਦਾ, ਹੈਲੈਂਸਸ, ਹੈਨਸ, ਇੱਕ ਸਨਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਫਲਾਰ, ਸੈਫਲਾਰ ਅਤੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਸੈਫਲਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਥਿਮਸ, ਟਿੰਕਟੋਰੀਅਸ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੈਲੀਅੰਥਸ, ਐਨਸ, ਕੈਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸਿਨਸ, ਕਮਿਊਨਿਸ, ਲਿਨਸਿਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਨਮ, ਯੂਸੀ ਟੈਟਿਸਮਾ, ਨਾਈਜਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਜੋਟੀਆ ਐਬਸੀਨੀਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਖਿਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਜੋਟੀਆ ਐਬਸੀਨੀਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਓਇਲ ਸੀਡਸ, ਸੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਗਿਊਮ ਹੋ ਗਏ, ਓਇਲ ਸੀਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋਪ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਟ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਰਮ, ਓਫਿਸ਼ਨੈਰਮ, ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਟਾ ਵਲਗੈਰੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬਾਇਨੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕੀ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 18% ਰੀਡਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ASI ਦੇ ਵਿੱਚ, 18-20% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 16-18%, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਮਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 16-18 ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ,
18 ਤੋਂ 20% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ 18 ਤੋਂ 20% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਮੈਨੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 18% ਵਾਲੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹਨਾ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18% ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਕ ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 18% ਬ੍ਰਿਕ ਸੀਡਿੰਗ 18% ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕਟੋਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾਪਨ ਆ ਰਿਹਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕਟੋਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾਪਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ 18% ਹੋ ਜੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕੀ ਹੈ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਪਰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ 18% ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫੈਲਿੰਗ ਫੈਲਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹੀ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੰਨਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 0.5% ਕੀ ਹੈ ਫੈਲਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਲਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਕ ਸੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਫਰਕਟੋਸ ਨੂੰ ਫੈਲਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਫਰਕਟੋਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗੰਨਾ ਹਜੇ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਨੇ ਕੀ ਵੱਢਦੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸੈਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੀਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਥੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਵਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਪੱਤੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਜੇ ਉਹ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ 1/3 ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਆਵਲੇ ਜੇ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਗੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਬੀਜਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਕਟੋਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਨ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰਕਟੋਸ ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾਪੇ ਮਿੱਠਾਪਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਕਟੋਸ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਕ੍ਰੋਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਟ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫਾਈਬਰ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਡ ਫਾਈਬਰ ਸਟੈਮ ਫਾਈਬਰ ਲੀਫ ਫਾਈਬਰ ਸੀਡ ਫਾਈਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਟਾ ਸਟੈਮ ਬੇਸ ਜੂਟ ਤੇ ਮੈਸਟਰਾ ਤੇ ਲੀਫ ਫਾਈਬਰ ਵਿੱਚ ਅਗੇਵ ਤੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਆ ਪਾਈਨਐਪਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਈਨਐਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੂਟ ਕ੍ਰੋਪ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਕ੍ਰੋਪ ਹੈ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈਨਐਪਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਆ ਫਾਈਬਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਫਾਈਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਟਨ ਦਾ ਗੋਸੀਪੀਅਮ ਹਿਰਾਸੁਟਮ ਗੋਸੀਪੀਅਮ ਹਿਰਾਸੁਟਮ ਗੋਸੀਪੀਅਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜੀਨਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜੀਨਸ ਦਾ ਗੋਸੀਪੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਸੀਪੀਅਮ ਹਿਰਾਸੁਟਮ ਹੈ ਬਰਬਾਡੈਂਸ ਹੈ ਹਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਗੋਸੀਪੀਅਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ 2N ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ 26 ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਈ 2N ਲਿਖਦੇ 26-52 ਕਿਉਂਕਿ 26 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਸੀ ਦਾ 26 ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ 52 ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੋਟਨ ਫਿਰ ਜੂਟ ਸਨਹੈਮ ਮੈਸਟਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲਿੰਟਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਕ੍ਰੋਪਸ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਪ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 101% ਐਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ 101% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 100 ਟਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਮ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕ੍ਰੋਪ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਸ ਕ੍ਰੋਪ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫੋਡਰ ਫੋਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਗਰਾਸਿਸ ਇਹ ਬਾਜਰਾ ਨੈਪੀਅਰ ਗਰਾਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਫੋਡਰ ਸੋਰਗਮ ਫੋਡਰ ਮੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਡਰ ਮੇਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਜ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਲੈਗਿਊਮ ਲੈਗਿਊਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੂਸਰੀਨ ਡਿਸਮੈਂਥਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਨੈਕਸਟ ਸਪਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਕੋਂਡੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਸਪਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਿਆ
रोज प्लांट और देयर प्रोडक्ट्स यूज फॉर फ्लेवर टेस्ट से एड कलर, कोई ना कोई कलर ऐड कर लू, फ्लेवर ऐड कर लू, जिवें कि हो गया चिल्ली हो गया, अनियन हो गया, कोरियंडर हो गया। अनियन होने की है आप कहते लिखते हैं एक चीज हो जाता है वेजिटेबल्स लिखते हैं अनियन, ठीक है। कि यह फ्रूट है जो एक्चुअल फ्रूट नहीं है, कि वेजिटेबल है जी एक्चुअल वेजिटेबल नहीं है, टोमैटो हाँ, तो फ्रूट के है वाटरमेलन एज अ फ्रूट नहीं कंसीडर किया हम, ठीक है, वो एज अ वेजिटेबल होंगी बट उन्होंने खाने एज अ फ्रूट, ठीक है। उस अनियन हो गया, कोरिएंडर हो गया, धनिया जो नहीं खाता मैं जमा नहीं पसंद, कोरिएंडर, ठीक है। ये सारे की है स्पाइसिस कॉन्डिमेंट है, मेडिसिनल प्लांट की आ गया जेडे एज अ मेडिसिनल यूज किए जाते हैं, तंबाकू हाँ तंबाकू आप एज अ मेडिसिनल यूज कर रहे, आप नशे ही कर रहे, पर जेडे मेडिसिनल सब तो वड्डा नुकसान भी यही है कि जेडी ये मेडिसिनल है मेडिसिन की तरह का है बट इनकी डोज की है एज अ नशे की तरह भी नारकोटिक्स की तरह भी यूज की, ठीक है। फिर आ गया बेवरेजेस, बेवरेजेस से क्या गया, ये तो पिन्ने या चाह हो गया, कॉफी हो गया है ना, कोकोआ हो गया, ये सारे क्या आ गए बेवरेजेस आ गए। नेक्स्ट चलते हैं साइंटिफिक और बोटैनिकल क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक और बोटैनिकल क्लासिफिकेशन की है सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्लासीफाई किए किया है, जिम्मे पोएसी फैमिली वाले जो है उन्होंने भी अलग अलग क्लासीफिकेशन है, और आज सटाइवा पढ़ते हैं फैमिली की है उनकी पोएसी है, फैमिली सब फैमिली जीनस स्पीशीज उस हिसाब ना उन्होंने किमें क्लासीफाई किया है वो है। हूँ इन्हें देखो एक चीज़ दस दिने, देखो एक हैगा वीट एक हैगा लेग्यूम, ठीक है, उनकी किंगडम के दोवे की प्लांट डिवीजन की है। हूँ इन क्वेश्चन आया दसदा की क्वेश्चन आया डिवीजन की है स्परमो स्परमैटोफाइटा इन की है स्परमैटोफाइट, इतों तक तो चल रहा ठीक सेम, सब डिवीजन की है एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। हूँ जिम्मे अपने अपनी की है किंगडम की है एनिमेलिया, बांदरों की एनिमेलिया, ठीक है, सारे जो एनिमल उन्होंने की एनिमेलिया, उस अपने अलग हो गए मंकी अलग हो गए, शेर शुर अलग हो गए, तो उस हिसाब क्लास की है मोनोकोटिलेट, जो सिंगल कोटिलेट होंगे उन्हें क्लास की होंगी है मोनोकोटिलेट ने, उन्होंने की है जी लगी उन्होंने करके डायकोट। ऑर्डर की है ग्रामीनेल्स एक की है रोजेल्स, फैमिली चेंज हो गई इतों ग्रामीने से लेग्यूम ने, ट्राइब की है होडिया ट्रिटिकम वीट के आ गया, ट्राइब की है होडे तो उनके जीनस स्पीशीज की है ट्रिटिकम एस्यूम इन की है मेडिकागो स्ट्राइवा, क्योंकि अल्फा अल्फा की गल चलती जीनस स्पीशीज चेंज हो जाएगा, ओराइजा स्ट्राइवा की गल करते जीनस ओराइजा स्पीशीज स्ट्राइवा, जीनस और स्पीशीज थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आप हमेशा की करते हैं जो भी आप गल कर लगते ना आप गल करते हैं इंटर स्पैसीफिक है ना इंट्रा स्पैसीफिक क्रोस हाइब्रिड है ना उनके की होंगे जो इंटर की गल करते आप करते हैं, मैं हमेशा यही एग्जाम्पल दिना कि जो आप बाहर जाने आप कहने इंटरनेशनल फ्लाइट है मतलब एक कंट्री तो दूजी कंट्री की फ्लाइट है दोनों अलग अलग कंट्री में, ठीक है, जो आप विद इन द कंट्री मूव करते हैं वो तो आप कहने इंटरनेशनल फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट है। हुण जो स्पीशी दो अलग अलग स्पीशी करावे उदो की है वो इंटर इंटर स्पैसीफिक, स्पैसीफिक मतलब स्पीशीज, तो अगर दो अलग अलग जीनस में आप क्रॉस करा मतलब राइस से वीट में क्रॉस करा दिए, राइस का की सीगा और राइस का वीट का की है सी ट्रिटिकम, दो अलग अलग जीनस है उन्होंने क्रॉस करा रहे हैं फिर वो क्या इंटर जेनेरिक, ठीक है। अगर आप दो अलग अलग स्पीशीज में करा रहे हैं मतलब इतने दोवें हूँ है ये भी ट्रिटिकम ये ट्रिटिकम ऐसे है और एक कोई होर लै लिए ट्रिटिकम स्पैल्टा लै लिए, दोवें जीनस सेम है मतलब ये ट्रिटिकम स्पैल्टा, ठीक है, ये सेम लै लिए ट्रिटिकम ट्रिटिकम तो सेम है बट एस्टिवम ते स्पैल्टा अलग अलग है मतलब स्पीशीज दो अलग अलग स्पीशीज क्रॉस होया तो यह इंटर जेनेरिक क्रॉस है बट इंटर स्पैसीफिक क्रॉस है उस जीनस क्रॉस कराया बट स्पीशीज जी है वह अलग अलग से कोटन के बहुत चीज़ जान गए इंटर स्पैसीफिक इंटर स्पैसीफिक इंटर जेनेरिक इंटरा जेनेरिक उदो ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, क्लीयर है। नैक्सट बेस्ड ऑन सीजन, सीजन खरीफ रबी जायद, खरीफ रबी जायद कल ही इतने दस के हटे हैं तो कहा एक जून तो 31 मई तक, ठीक है, जो आप पीरियड लैने एग्रीकल्चर ईयर आप पीरियड उन आता कि जी खरीफ की होनी इतों वाली जितों स्टार्ट होंगे ना उतों जितों स्टार्ट होंगे क्योंकि खरीफ वाली क्रॉप कदों बिजनेस शुरू करते हैं जून के रबी कदों अक्टूबर वैसे आप हमेशा नवंबर कहने बट अक्टूबर ही उनकी रबी शुरुआत हो जाती, ठीक है। हुण इहदा हमेशा कदों की वेख्या जाता है इन्हें जर्मीनेशन टाइम तो शुरू किया है अगर जेड़े जर्मीनेशन की मतलब सोइंग टाइम तो जो आप एक जून बीज रहे हैं एक जून के नेड़े तेड़े बीज रहे हैं उन्होंने आप खरीफ कह देंगे, ठीक है, जोड़ा अक्टूबर के बीज रहे हैं उन्होंने आप कह देंगे रबी कह जेड़े कितने नहीं आता वो फर्क होंगे मान लो हूँ मेज़ है मेज़ सितंबर भी लग जाएंगे
क्यों उनका फर्क क्यों है, फोटो पीरियोडिज्म का फर्क क्या होता। ठीक है, हुण इहदे विच देखो एक ये भी दस दिना, शोर्ट डे खरीफ से वह पढ़ रहे हैं, शोर्ट डे तो लोंग डे तो डे न्यूट्रल, लोंग डे तो डे न्यूट्रल। गर्मिया के दिन लंबे होंगे, खरीफ सीजन दिन लंबे होंगे, तो क्रॉप कि होएगी शोर्ट डे होएगी, वो लोंग डे नहीं होएगी। क्यों ये दसदा फलारिंग, हाँ क्योंकि शोर्ट डे की वेखते आप हमेशा फलारिंग, इन्ह सारे फोटो पीरियोडी हमेशा फलारिंग बेस होंगी है। ठीक है, फलारिंग कदों आई, आ पिछले महीने तो आनी शुरू हुई झोने, ठीक है राइस न, हाँ वो फलारिंग जी आनी शुरू हुई, क्यों हुई क्योंकि दिन छोटे होने शुरू हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया सी, अवला आया सी लोंग डे, हाँ हाँ लोंग डे आया सी एफ पिछली बार, आ 2022-23 पेपर होया सी जनवरी, उदो पेपर आया सी, क्वेश्चन आया सी कि लोंग डे दे विच 14 घंटे तो ज़्यादा होने चाहिए, 14 घंटे तो ज़्यादा का दिन होना चाहिए। ठीक है, शोर्ट डे 10 घंटे तो घट का दिन होना चाहिए, वो घट का दिन मतलब उन्ना टाइम घटेगा, 10 घंटे तो घट दिन होएगा, मतलब रात लंबी होनी चाहिए, जो रात लंबी होनी शुरू हो उदों उन्हों फलारिंग आनी शुरू हो। शोर्ट डेज कड़ा आ जाएगा खरीफ क्रॉप ज़्यादातर, ठीक है बट मेज नहीं, क्योंकि मेज डे न्यूट्रल च, डे न्यूट्रल क्या आजगा जिन 10-12 घंटे का चाहिए, घट भी जाए बद भी जाए, बट इन्ना टाइम चाहिए। ठीक है, वो इन आ जाएंगे दूजिया क्रॉप जिन्हों ज्यादा नहीं, क्लीयर है। हूँ खरीफ से रबी तो राई के भी अगर फोटो पीरियोडिज्म समझ आता है, फिर आप अगर खरीफ पहला तो खरीफ का पता होड़ी क्रॉप खरीफ है, कि रबी है, कि जायद है। हूँ भी जी आप पैकेज कर रहे हैं क्रॉप वाइज कर रहे हैं, वो आप एवं करा कि पहला खरीफ क्रॉप सारिया करा फिर रबी करा। ठीक है, खरीफ सीजन की है, जड़िया क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द जून जुलाई टू सपटेंबर अक्टूबर विच रिक्वायर अ वॉर्म वैट वैदर, गर्म वैदर, राइस मेज कैस्टर ग्राउंडनट, रबी ग्राउंडनट की एक्सैप्शन है, ग्राउंडनट के सीजन दो होंगे। ठीक है, फिर उस रबी रबी क्रॉप क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर टू जनवरी फरवरी, बट हूँ खरीफ जनवरी फरवरी से लिखा जरूर है, तो ये भी नहीं गा कि हाँ भी गलत लिखा हुआ है, ये ICR दिन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जनवरी फरवरी बट अपने की लैने फरवरी मार्च, बट राइस वीट तो अप्रैल तक जाती है, फिर मैं वही दस रहा कि आप हमेशा सोइंग टाइम तो वेखते हैं, जो आप राइस सीजन लैना हो फिर तो फरवरी तक हारवेस्ट करना पे, फरवरी मार्च में हारवेस्ट करना पैदा जो राइस सीजन लैना है। ठीक है, यह है खरीफ रबी, फिर अगर नेक्स्ट है जायद, फिर दस रहे जायद कल भी दस्या, जायद हमेशा रबी तो बाद का सीजन होंगे, रबी तो पहला का सीजन नहीं होंगे, जोड़ा आप जिमें अपने इतने नहीं चलता, इस एरिए नहीं चलता, जलंधर साइड से अंबरसर साइड से बहुत ज़्यादा चलता है, कि चलता है कि जो उ राइस हारवेस्ट करते हैं मटर लगा देंगे। ठीक है, मटर लगा के 2 महीने मटर लैके उस वक्त जनवरी दिसंबर के लास्ट जनवरी भी, ठीक है, कि उस वक्त कणक बीज देंगे, लेट सोन वरायटी जी आती है, ठीक है, उन्होंने बीज देंगे। ठीक है, मतलब की होया फिर हम मटर उन्हें 3 ले लिया क्रॉप्स, मतलब मटर जे जायद हुए वो जायद नहीं हुए, वो कैच क्रॉप की तरह उन्हें यूज़ किया। ठीक है, कि सीजन हजे पिया से टाइम पिया से उन्होंने कैच कर लिया, वो चीज़ भी हाँ कैच कर लिया, कोई गल नहीं आप लेट बीज देंगे, तो वह सीजन उन्होंने कैच करने वास्ते वो कैच होंगे। जायद सीजन कि समर क्रॉप, उस समर क्रॉप वही जायद क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग फैब मार्च टू मई जून, इन अगर आप करते हैं उन्होंने समर जा जायद कहते हैं, विच रिक्वायर वार्म ड्राई वैदर फॉर ग्रोथ एंड लोंगर डे लेंथ फॉर फ्लारिंग, जिन्होंने फ्लारिंग वास्ते डे लेंथ लंबी चाहिए, मतलब की है एज अ रबी क्रॉप की तरह, मतलब जी जायद क्रॉप होंगी उन्होंने यही होंगे, ज्यादातर डे न्यूट्रल हो गए जाके होंगे लोंग डे हो गए जायद, क्लीयर है। नैक्सट चलते हैं बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग की है, ज़्यादा ट्रॉपिकल होंगे सब ट्रॉपिकल होंगे, टेंपरेट होंगे, पोलर होंगे, पोलर केड़े होंगे है पोल जे पोल से मिलते हैं। ठीक है, पोल से बस सिर्फ इन्ना में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेंपरेट याद कर लेने, क्योंकि जेडे एफ वाले बच्चे उन्होंने हॉर्टीकल्चर ये चीज़ आदि हैं, जिन्हें प्रीवियस क्वेश्चन बहुत आए हुए कि क्रॉप ट्रॉपिकल तो क्वेश्चन आया कि पपाया से एप्पल तो आया हुआ कि एप्पल कि टेंपरेट है ट्रॉपिकल है सब ट्रॉपिकल, जी तो बहुत गर्म एरिया मिलती है वो की होंगी है ट्रॉपिकल, जो पंजाब के एरिया मिलती है जिमें पंजाब हरियाणा यूपी दिल्ली है ना, एक जो एरिया होंगे सब ट्रॉपिकल, ये आप सिर्फ उन्हें जोन वाइज गल कर रहे हैं, मैं हजे क्रॉप वाइज गल नहीं कर रहा, क्रॉप वाइज आवेंगे। ठीक है, तो जी ठंडे एरिया होंगी है जिमें जम्मू कश्मीर हो गया हिमाचल हो गया, ठंड बहुत पैंती है, सेब जम्मू क्यों होंगे
ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਵਰਤ ਲੈ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਹੁਣ ਕੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ, ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਤੇ ਪੋਲਰ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਰੋਪ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਰੋਪ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਧੁੱਪ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ। ਟੈਂਪਰੇਟ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆ? ਵੀਟ ਬਾਰਲੇ, ਵੀਟ ਬਾਰਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬੀ ਕਰੋਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਂਪਰੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ। ਅਤੇ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਕੋਟਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰੋਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਰੋਪ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਫਰੂਟ ਕਰੋਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਕਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਟ ਅਤੇ ਬਾਰਲੇ, ਇਹ ਕਰੋਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਟ ਕਣਕ ਬੀਜੋਗੇ ਨਾ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਬੀਜੀ, ਜਨਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਣਕ ਗਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਣਕ ਗਰੋਥ 'ਚ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਰੋਥ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਗ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਗਰੋਥ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੋ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਲਿੰਗ, ਉਸ ਵਰਲਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮਸ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਟਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰੋਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਐਗਰੋ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋਪ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ 11ਵੇਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋਪਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰੋਪਸ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਕ 'ਚ ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਦ ਬਤਰਾ ਸਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।